नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। WWE रॉ में इस हफ्ते जबरदस्त धमाल देखने को मिला। ये मैच दर्शकों के लिए भी पैसा वसूल रहा। इस एपिसोड में जो हुआ वो चौंकाने वाला था। दरअसल बाप बेटे और माँ बेटी ने WWE के सुपरस्टार की धुनाई कर दी और वही डंडों से भी पीटा। देखिए, WWE रॉ में इस हफ्ते खतरनाक मैच देखने को मिला। ये मैच दर्शकों के लिए भी पैसा वसूल रहा। इस एपिसोड में जो हुआ वो चौंकाने वाला था। WWE रॉ के मेन इवेंट में रे मिस्ट्रियो के बेटे डोमिनिक और सुपरस्टार रेसलर मर्फी के बीच जबरदस्त फाइट हुई। इस स्ट्रीट फाइट में डोमिनिक की पूरी फैमिली ने मर्फी की जमकर पिटाई की। फाइट शुरू होते ही मर्फी और डोमिनिक ने एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार किए। दोनों रेसलर लड़ते लड़ते रिंग से बाहर आ गए। इस दौरान डोमिनिक मर्फी पर हावी दिखे। उन्होंने स्पेशलिस्ट लगाकर मर्फी को बैरिकेड पर दे मारा। हालांकि मर्फी ने पलटवार किया और स्टील रैंप पर पटकी दे दी। इसके बाद डोमिनिक का हारते दिखे। वही मर्फी ने डोमिनिक के हाथ को बांध दिया और डंडे से मारने के लिए आगे बढ़े। तभी डोमिनिक के पिता और सुपरस्टार दे मिस्ट्रियो ने उन्हें रोक लिया। इधर डोमिनिक की माँ और बहन ने उनके हाथ खोल दिए। इसके बाद डोमिनिक ने मर्फी के हाथ को रॉप्स यानी रस्सी में फंसा दिए और डंडों की बरसात कर दी। दोनों में हो रहे घमासान के बीच मिस्ट्रियो का पूरा परिवार भी इस मैच में कूद पड़ा। डोमिनिक की बहन, माँ और पिता रे मिस्ट्रियो ने मिलकर मर्फी को खूब पीटा। हालांकि मर्फी ने लगातार हो रहे हमले के बीच मैच क्विट कर दिया था और डोमिनिक इस मैच को जीत गए थे। लेकिन फिर भी मिस्ट्रियो परिवार का हमला जारी रहा और मर्फी को पीट पीट कर उनका हाल बेहाल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।